जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डैनी स्कूल। दोस्तों आज बात करेंगे बैंक के ऐसे दो बहुत ही महत्वपूर्ण शेयर्स के बारे में जो कि आपको मालामाल कर सकते हैं आने वाले कुछ सालों के अंदर। दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि आने वाला समय बैंकिंग सेक्टर का समय है इंडिया में, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें जो इंडिया की ग्रोथ है वो बहुत तेजी के साथ हो सकती है। और दोस्तों उनमें से एक सेक्टर जो है वो बैंक का भी सेक्टर है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जैसे बढ़ती हुई इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रो होती हुई इकोनॉमी, और दोस्तों इस सारी की सारी चीजें आने वाले समय में कुछ बैंक्स हैं जिनमें एक्सपोन ग्रोथ दे सकती है। अब दोस्तों ऐसे कौन से बैंक हैं जिनमें आपको एक जबरदस्त ग्रोथ मिल सकती है और उसका क्या रीजन है, इसके बारे में यहां पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे ऊपर जो लिस्ट में मेरे पास आता है इस समय पर, जिसके बारे में मैं आपको यहां पर बताना पसंद करूंगा दोस्तों, उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। अब कोटक महिंद्रा बैंक में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि इस बैंक को आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ दे सकती है, चलिए इसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले कोटक महिंद्रा बैंक का अभी तक का क्या रिकॉर्ड रहा है उसके बारे में बात कर लेना जरूरी है। अब दोस्तों हम सभी को बताइए कि जो कोई भी बैंक है इंडिया में, उसे मेन जो इनकम आती है वो उसके इंटरेस्ट से आती है, यानी जो लोन देता है बैंक, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो दोस्तों गाड़ी का लोन हो या कोई भी लोन हो, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसी से बैंक को एक इनकम जनरेट होती है। ये इसका प्राइमरी सोर्स होता है इनकम का, और सबसे बड़ा जो रेवेन्यू आता है बैंक का वो भी उसी से आता है। अब दोस्तों अगर कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनकी इंटरेस्ट से जो इनकम अर्न हुई थी वो 34,50.85 करोड़ रुपए के आसपास थी, और इट हैज पोस्टेड अ डिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 8.35% इन द लास्ट थ्री इयर्स। कोटक महिंद्रा बैंक ने जो लास्ट थ्री इयर्स में रिवेन्यू ग्रोथ दिया है वो 8.35% के आसपास दिया है। इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस द बैंक रिपोर्टेड 17.92% YOY राइज। इफ यू सी थ्री इयर्स एडवांस ग्रोथ इट स्टैंड्स एट 13.33%। करेंटली द कंपनी हैज अ कासा रेशो ऑफ 52.83%। इट्स ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी स्टैंड्स एट 3.29%। ऑल्सो द टोटल डिपॉजिट फ्रॉम दीज अकाउंट स्टूड एट 3,63,096 करोड़ रुपी। बैंक हैज अ हेल्दी ROA ट्रैक रिकॉर्ड। द ROA ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक इज 2.38%। द कंपनी हैज अ गुड कैपिटल एडिक्वेंसी रेशो ऑफ 20.78%। अब दोस्तों यहां पर कोटक महिंद्रा बैंक के कुछ अच्छी चीजों के बारे में और साथ ही दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। स्ट्रेंथ क्या है इस समय पर जो दिख रही है कोटक महिंद्रा बैंक में, और दोस्तों साथ ही दोस्तों यहां पर जो लिमिटेशंस है इस बैंक में वो क्या। दोस्तों अगर इसकी स्ट्रेंथ के बारे बात करें तो बैंक जो है वो मेंटेन कर रहा है एक अच्छा ROA जो कि 2.12% के आसपास है 3 साल में पिछले। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड 3 साल का 13.09% के आसपास है। कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग अ NIM ऑफ 4.26% सिंस लास्ट 3 इयर्स, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। बैंक इज प्रोमिनेंटली मैनेजिंग इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एवरेज NET NPA ऑफ लास्ट 3 इयर्स इज 0.74%। ये कोटक महिंद्रा बैंक की जो मुझे अभी तक स्ट्रेंथ दिख रही है काफी अच्छी वो है। और दोस्तों थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी हैं बैंक में, जैसे अगर मैं लिमिटेशंस के बारे में बात करूं तो बैंक का जो है वो हाई कॉस्ट है इनकम के रेशियो में, और ये 48.15% के आसपास है जो कि ज़्यादा माना जाता है। कंपनी इज ट्रेडिंग 4.15 टाइम ऑफ इट्स बुक वैल्यू। दोस्तों अगर किसी कंपनी की बुक वैल्यू अप टू 3 होती है तो दोस्तों वो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही जाती है तो दोस्तों वहाँ पर ये माना जाता है कि कंपनी में आने वाले समय में आपको अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हुई तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर इस कंपनी की जो बुक वैल्यू है वो 4.15 के आसपास है, जो कि 3 के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। यानी दोस्तों यहाँ पर अगर मैं लिमिटेशंस के बारे में बात करूँ तो दो ये लिमिटेशंस मुझे अभी कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पर दिख रही हैं। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर बात करें ROE ROA के बारे में एक समरी में बताना मैं आपको पसंद करूँ तो दोस्तों कंपनी का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो कुछ खास काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और जो एडवांस ग्रोथ है वो 17.92% की है, जो कि अपने आप में ज़बरदस्त है। अब एक और बात है दोस्तों यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि जो दोस्तों फॉरेन इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितना बिलीव करते हैं, बड़े प्रमोटर्स जो हैं वो कितना बिलीव करते हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कितना बिलीव करते हैं कंपनी को, तो दोस्तों ये भी एक जानने वाली बात है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का 39.88% पैसा यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक में लगा हुआ है, प्रमोटर्स का 25.94% पैसा लगा हुआ है, और DII का भी 21.24% पैसा लगा हुआ है। कंपनी का जो रेशो है होल्डिंग का वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त यहाँ पर दिख रहा है, और
दोस्तों अगर मैं इस रेशो के बारे में बात करूं तो पिछले 1-1.5 साल से ये रेशो लगातार ऐसे ही मेंटेन है, बल्कि FII ने थोड़ा बहुत परसेंटेज में इंक्रीज ही किया है। कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने अपना पैसा निकाला नहीं है। वहीं पर पब्लिक का 12.94% का काफी अच्छा यहाँ पर पैसा है। अब सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कोटक महिंद्रा बैंक का मार्केट कैप है 3.46 ट्रिलियन INR का, तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं मिड कैप मतलब लार्ज कैप में तो मैं यहाँ पर इसे नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों लार्ज कैप के जो हैं वो थोड़ा सा 5 ट्रिलियन से ऊपर चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों मिड कैप में यहाँ पर इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। और दोस्तों इसके कंपैरिजन में अगर रिटेल इन्वेस्टर्स का एक ज़बरदस्त पैसा भी आता है और दोस्तों बैंक में लगातार ग्रोथ भी बनी रहती है, तो दोस्तों यहाँ पर इस बैंक में अभी भी गुंजाइश है कि ये आपको 3 से 4 गुना या फिर 5 गुना तक का भी प्रॉफिट आने वाले कुछ सालों के अंदर देखने को यहाँ पर मिले। कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा सकता है कि लेस रिस्की और दोस्तों जहां पर थोड़ा अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है ऐसा ये शेयर है कोटक महिंद्रा बैंक का। साथ ही थोड़ा सा यहां पर आपको डिविडेंड भी मिल जाता है। इतना तो नहीं बोलूंगा कि पूरे का पूरा पैसा इसी बैंक में आपको डालकर रखना है, लेकिन दोस्तों ये है कि इस बैंक में आप थोड़ा सा अच्छा इन्वेस्टमेंट कर भी सकते हैं, लेकिन उससे पहले अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से एडवाइस लेना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको घर से काम करके बिना किसी इन्वेस्टमेंट के डेली बेसिस की 1000 रुपए की अर्निंग करनी है तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके साइन अप करें और KYC कंप्लीट करें। अब दोस्तों चलिए दूसरे बैंक्स के बारे में बात कर लेता हूं, जिसका बारे में आपने ऑब्वियसली इससे पहले भी सुन रखा होगा, लेकिन दोस्तों IDFC जो बैंक है क्या मैं इसे आपको सजेस्ट करूंगा और इसके पीछे क्या रीजन है, अगर सजेस्ट करता हूं तो, या अगर नहीं सजेस्ट करता हूं तो उसके पीछे क्या रीजन है, इसके बारे में भी यहां पर देख लेते हैं। आप दोस्तों मैं यहां पर बात करूंगा बैंक के परफॉर्मेंस की, लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं यहां पर बात करना चाहूंगा कि IDFC बैंक की क्या खास बातें हैं, क्या स्ट्रेंथ हैं और क्या यहाँ पर इस बैंक में लिमिटेशंस निकल कर आ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए इस बैंक की जो खास बातें हैं, जो स्ट्रेंथ में मैं यहाँ पर काम काउंट करूंगा, उसमें सबसे पहले नंबर पर यह आता है कि कंपनी हैज बीन कंसिस्टेंटली मेंटेनिंग अ NIM ऑफ 5.28% सिंस लास्ट 3 ईयर्स, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। दूसरा जो है इसका जो कासा है वो 49.77% के आसपास है टोटल डिपॉजिट्स का, जो कि इस कंपनी की एक जबरदस्त स्ट्रेंथ मानी जा सकती है। गुड कैपिटल एडिक्वेट रेशो है 16.82% का और कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ऑफ 41.79% ओवर द पास्ट 3 ईयर्स। इसका एवरेज अगर आप लगाकर देखते हैं तो 15% के आसपास पर ईयर निकल कर आता है। लिमिटेशंस क्या है बैंक की, द बैंक हैज अ वेरी लो ROA track record, average ROA of 3 years is 0.50%. Company has a low ROE of 4.64% over the last 3 years. High cost to income ratio 71.16%. दोस्तों इसकी जो cost है income के comparison में वो काफी ज्यादा है, अगर आज के time में मैं IDFC First Bank के बारे में बात करूँ। लेकिन दोस्तों वहीं पर अगर ROE के बारे में बात करें तो 10.44% है, जो कि ठीक है। ROE के बारे में बात करें तो 1.13% है। NPA के बारे में बात करें तो 0.86% है। NIM के बारे में बात करें तो 5.57% है। CAR के बारे में बात करें तो 16.82% और एडवांस ग्रोथ 28.79% के आसपास है। एक साल के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक का परफॉर्मेंस पहले बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जिस तरह से पिछले 1-1.5 सालों के अंदर IDFC फर्स्ट बैंक ने परफॉर्मेंस दिया है और जिस तरह से सारी की सारी चीजें निकल कर आ रही हैं, खास बात इसके पीछे ये भी है कि इसके जो इस समय पर कार्यकारी अधिकारी हैं उन्होंने पहले IDFC जो ICICI बैंक है उन्हें भी काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, तो दोस्तों यहाँ पर IDFC बैंक को उसका भी फायदा मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे होल्डिंग किस किस की। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करूं मैं प्रमोटर्स की 39.93% के आसपास की होल्डिंग है, लेकिन दोस्तों FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का विश्वास अभी इस बैंक पर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, 20.85% के आसपास है, लेकिन दोस्तों पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स ने इस पे अच्छा खासा अपना यहाँ पर विश्वास दिखाया है, 27.55% के आसपास है। DII 11.67% के आसपास और दोस्तों इस तरह से यहाँ पर 100% की हिस्सेदारी है अगर मैं बात करूँ यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक की। अब दोस्तों यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक का जो आज की डेट का मार्केट वो है दोस्तों 205 बिलियन INR के आसपास, कितना 205 बिलियन INR के आसपास, और दोस्तों इसका जो प्राइस है आज की डेट में वो 128.65 INR के आसपास है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक चीज आपको बताऊँ इसमें कि इस
इस शेयर का जो प्राइस था वो आज से एक साल पहले कितना था? तो दोस्तों 50 रुपए के आसपास था। यानी दोस्तों केवल और केवल एक साल के अंदर ही ये जो शेयर है इसने लगभग 2.5 गुना का प्रॉफिट लोगों को दिया है। और इससे पहले दोस्तों जब 2020 में था उस समय पर 14 रुपये के आसपास था वहां पर, और आज के कंपेरिजन में अगर बात करूं तो 8 गुना का प्रॉफिट पिछले 3 सालों में यहाँ पर इस शेयर ने दिया है। लेकिन उससे पहले भी इसका जो ऑल टाइम हाई रहा था IDFC फर्स्ट बैंक का, वो 109 रुपए के आसपास रहा था, और वो 2008 में था। तो दोस्तों अगर इस कंपैरिजन में मैं बहुत लॉन्ग टर्म के बारे में बात करूं तो इस बैंक ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में नहीं दिया। कोरोना के बाद से जब सभी शेयर्स ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, उसी के साथ साथ इसने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन दोस्तों अब IDFC फर्स्ट बैंक एक अच्छा शेयर क्यों हो सकता है? इसकी 2-3 चीज़ें हैं। क्या नंबर वन, इसका जो मैनेजमेंट है, इसकी जो लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त है। पिछले कुछ सालों में या फिर दोस्तों 1-2 सालों में IDFC फर्स्ट बैंक एक लीडर के रूप में उभर कर सामने आया है। दूसरी बात यह है कि IDFC का जो अभी मार्केट कैप है वो अभी भी काफी कम है, 205 बिलियन INR के आसपास, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनीज में आता है। केवल दोस्तों अगर इस कंपनी को इतना बड़ा बैंक बनना हो जितना आज की डेट में कोटक महिंद्रा बैंक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक का जो मार्केट कैप है वो 3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। केवल वहीं तक पहुंचते पहुंचते ही 16-17 गुना का प्रॉफिट यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक को आपको देना होगा। तो दोस्तों एक ऐसा बैंक है जिसमें रिस्क ज्यादा है कोटक महिंद्रा बैंक के कंपेरिजन में, लेकिन दोस्तों अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखा जाए और अगर जिस तरह से मैनेजमेंट अभी IDFC फर्स्ट बैंक का काम कर रहा है इसी तरह से आगे लॉन्ग टर्म में अच्छा काम करता रहे तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट यानी 10 गुना तक का भी प्रॉफिट ये शेयर यहां पर दे सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों दोनों ही शेयर्स में रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी शेयर्स में रिस्क नहीं है, लेकिन दोस्तों वहीं पर प्रॉफिट की संभावना भी काफी ज्यादा अच्छी है। अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के घर से डेली बेसिस का आधे से 1 घंटा काम करके और 1000 रुपये रोज की इनकम लेना चाहते हैं तो इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो सबसे पहला लिंक है उस पर क्लिक करके साइन अप करें और KYC कंप्लीट करें ताकि दोस्तों यहां पर एक लाइफ टाइम के लिए फिक्स मंथली इनकम आप जनरेट कर सकें। थैंक यू दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। लेटेस्ट मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड अपडेट एंड फाइनेंशियल अपडेट, शेयर मार्केटिंग से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए।